मैं बचपन से ही किसी का सम्मान नहीं करता था, अपने माँ को भी गाली गलौज मारपीट, और अपने दोनों भाई बड़े भाई और मझले भाई भाभी से भी मारपीट, और समाज में भी किसी का मान सम्मान नहीं करता था, इज्जत नहीं करता था। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे भैया। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत बहुत दुविधा में भी हूँ। क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है कि मैं बचपन से ही किसी का सम्मान नहीं करता था, अपने माँ को भी गाली गलौज मारपीट, और अपने दोनों भाई बड़े भाई और मझले भाई भाभी से भी मारपीट, और समाज में भी किसी का मान सम्मान नहीं करता था, इज्जत नहीं करता था। अभी मैं बहुत परेशान हूँ कि मुझे कुछ परेशान कर रहे हैं, जैसे मैं कहीं भी जाता आता हूँ तो मेरे कानों में बात करते हैं कि तू तेरे को बर्बाद कर दूंगा, तेरे को नरक में भी जगह नहीं दूंगा। कौन परेशान करता है? ऐसे कोई शक्ति मेरे कान में बात करते हैं, मेरे दिमाग से भी जो मैं सोचता हूँ वो मुझे बताते हैं। अभी मैं यहाँ आ रहा था तो अभी भी बोल रहे थे तेरा वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, तू जाएगा तेरा कुछ भी होने नहीं दूंगा, ऐसे वैसे। ऐसा कौन बोलता है? मेरे दिमाग में मतलब जो मैं चलते रहता हूँ मेरे कान में बोलते हैं, कौन बोलते हैं मेरे को पता नहीं। अच्छा, कोई ऐसी शक्ति है क्या है पता नहीं, भगवान जाने। इसे कहते हैं नकारात्मकता, ये विचार है नकारात्मक विचार, कोई और नहीं कहता, आप खुद अपने आप को कहते हैं, पर आपको लगता है कोई कहता, कोई नहीं, आप ही हैं जो अपने आप को कहते हैं। जब कोई फांसी लगाता है तो जो व्यक्ति फांसी लगाता है या जहर खाता है या आत्महत्या करता है तो उससे कौन कहता है कि तुम आत्महत्या कर लो? कौन कहता है उससे? उससे वो खुद कहता है, वो खुद अपने से बात करता है, क्या मैं मर जाऊँ? तो फिर अंदर से हाँ हाँ ठीक है मर जाते हैं, फिर मैं फांसी लगा, अच्छा ठीक है हाँ लगा लेते हैं। तो वो अपने आप को तैयार करता है इस कार्य के लिए। इसे कहते हैं नेगेटिव थॉट, थॉट मीन्स विचार, नकारात्मक गलत विचार। जब आप गलत संगति करोगे, गलत राह पर चलोगे तो गलत विचार आएंगे। इसलिए बेटा सत्संग किया करो, रोज चलते फिरते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप किया करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का कीर्तन किया करो, और भगवान का नाम सुनो, मोबाइल पर भी भगवान की कथाएं सुनो, और चलते फिरते भी भगवान का नाम जपो, अपने आप आपके, और आप ऐसा विचार बनावा से कि अब आप ये सोच के चलो कि मैं जो करूँगा समाज के भले के लिए करूँगा, देश हित में कार्य करूँगा, मैं सबका भला करूँगा। अब ये विचार रखना है आपको, मैं सबका भला करूँगा, मैं सबका भला करूँगा, और करो, और नाम जप करो भगवान का, काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, और अच्छे विचार के साथ चलोगे तो ये जो कान में कोई कहता है उसे बंद हो जाएगा, ठीक है? और एक और परेशानी है, जैसे कि हमने घर वास किया था, घर में जो गृह प्रवेश करते हैं तो पूजा किया था, तो मेरे भैया भाभी पूजा पे बैठे थे, लेकिन जो पूजा का जो वो सामान था पंडित जी ने बोला घर में ही मट्टी खोद के और सारा सामान उसमें डाल दो, तो उसमें जो कपड़े थे बिछाया वो लक्ष्मी नारायण के नाम से कपड़ा था, वो भी हमने ढक दिया, हमको पता नहीं था। सुबह पंडित जी आए बोले वो कपड़ा कहाँ है, मैं ले जाऊँगा, तो हमने कहा उसमें तो डाल दिए, तो उन्होंने कहा निकाल दो हम ले जाएंगे, तो मैंने हम लोगों ने कहा तो वो ढक दिए, तो उन्होंने कहा वो अच्छी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे भी मुझे लगा कि बहुत परेशानी। कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये तो मन का वहम है, ये सब हटाओ, ठीक है, घर में रहो, भगवान की स्थापना करो, बढ़िया पूजा करो घर में, और खूब नाम जप करो, सब ठीक होगा, कथाएं सुना करो, पीछे भैया को।